9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को याद किया जीडीसी के इतिहास विभाग ने। इस मौके पर किया गया एक संगोष्ठी का आयोजन। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें स्वतंत्रता दिलाने में हमारे कई नेताओं का प्रमुख रोल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने कितने नाम हमारे जहन में आ जाते हैं जब भी स्वतंत्रता की बात चलती है। स्वतंत्रता आंदोलन कई चरणों में चला, जिनकी बातें फिर कभी। आज बात उस व्यक्ति की जिसने शरीर पर एक चादर लपेट हाथ में लाठी लेकर हमें आज़ादी दिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद किया। नतीजे के रूप में हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। गांधी जी के इसी नारे को लेकर जीडीसी में एक विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ के इतिहास विभाग ने किया। आइए इस बारे में बात करते हैं कॉलेज की प्राचार्या और इतिहास विभाग की HOD से। स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्राएं बहुत अच्छे से उत्साह से भाग लेने के लिए तैयार हैं। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन जो है, गांधी जी ने आह्वान किया था, जैसे कि स्वाधीनता आंदोलन जो भारत में चला अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तो ये स्वाधीनता आंदोलन जैसे हमने बताया विभिन्न चरणों में विभक्त था। जैसे अपने 1885 से 1900 तक, 1900 से 1919 तक दूसरा चरण था, 1919 से 1929 तीसरा चरण, और 1929 से 1939 जब द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत हुई तो चौथा चरण था, और 1939 से 1947 पाँचवें चरण में फिर हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इन विभिन्न चरणों में जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे बहुत से हमारे जो नेता थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नेता जो थे जिनकी यह आह्वान था कि अहिंसा जिनकी वो नीति थी, अपने राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी, और उन्होंने अहिंसा की नीति अपना करके देश को स्वतंत्र कराया। पहले असहयोग आंदोलन उन्होंने किया 1919 में कि हमारा भारत स्वतंत्र हो, वो बराबर जो है कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ चलते रहे, और 9 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और भारत की स्वतंत्रता कराने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा।